स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। नीरज ने पहला थ्रो जरूर फाउल किया था, लेकिन दूसरे ही थ्रो में 88.17 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड अपने नाम कर लिया। पूरे मैच में इससे आगे कोई भी एथलीट भाला नहीं फेंक सका। बता दें कि यह चैंपियनशिप हंगरी के बुडापेस्ट में हुई। मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट का फाइनल मुकाबला बीती रात खेला गया। इस चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम दूसरे नंबर पर रहे। उनका बेस्ट थ्रो रहा जो उन्होंने तीसरे थ्रो में हासिल किया। ये हमारे परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए और अपने पूरे देश के लिए एक बहुत ही सुनहरी मौका है। जो गोल्ड मेडल जीता है ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक बड़ा खुशी का पल है। जी हमारा तो यही है कि जैसे मतलब जितने पेरेंट्स हैं या जितने युवा हैं, युवाओं को भी चाहिए कि जैसे पेरेंट्स बोले उनकी बातों का अनुसरण करें, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि जो बेटे को जरूरत है, चाहे पढ़ाई का फील्ड है चाहे खेल का फील्ड है, वो भी जी जान से बच्चों का साथ दें। ये बहुत ही खुशी की बात है कि अपना देश भारत विश्व में कई क्षेत्रों के अंदर और एक प्रकार से अपनी चैंपियन की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में नीरज चोपड़ा जो अपने हरियाणा का एक बेस्ट एथलेटिक्स है, उसने भी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, और ये और भी बड़ी खुशी की बात है कि भारतवर्ष का पहला युवक जिसने ये उपलब्धि प्राप्त की है। मैं नीरज चोपड़ा को उनके खेल खिलाने में उनका जो सहयोग करते हैं, चाहे उनके कोचेज हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके साथी खिलाड़ी हैं, उनको सबको बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि नीरज चोपड़ा युवाओं को प्रेरणा देकर के इसी प्रकार हरियाणा का, न केवल हरियाणा का बल्कि देश का नाम भी ऊंचा करने में अन्य युवक उनसे प्रेरणा लेंगे। वैसे चाहे हमारा देश की रक्षा के अंदर या खेलों के अंदर हरियाणा का जो योगदान है, उस योगदान में हरियाणा के युवक आगे बढ़ रहे हैं। मैं हरियाणा सरकार की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार की आवश्यकता हरियाणा की ओर से हमारे युवा अपेक्षा करेंगे, हर प्रकार की सहायता हम उनकी करते रहेंगे, ऐसा ताकि हमारा हरियाणा और देश लगातार इन क्षेत्रों के अंदर आगे बढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ टॉक।